अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इस फीमेल डॉग ने 8 पपीज दिए थे, जिनमें से 4 मेल थे और 4 फीमेल्स। और ठंड की वजह से उनमें से 2 मेल्स और 1 फीमेल की डेथ हो गई थी पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले। तो अवैसली को मैंने कहा जी कि ये सिर्फ और सिर्फ ठंड की वजह से मरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं जी, नहीं ठंड की वजह से मरे नहीं। मैंने उसे कहा ठंड ही की वजह से मरे हैं, लेकिन वो कहते नहीं। तो बाहर हुआ ये कि वो तो मेरी बात नहीं माने, इनको मैं कहता भी रहा कि आप हीटर लगा लें, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी बात ना मानी। कल रात को 2 बच्चे और मर गए, जिसमें से 1 मेल और 1 फीमेल, वो भी मर गए। अब टोटल हमारे पास 3 बच्चे रह गए, जिसमें 1 मेल है और 2 फीमेल्स हैं। तो अब ये माने हैं कि जी ठंड की वजह से मरे, लेकिन ठंड फिर भी नहीं कह रहे, कहते निमोनिया की वजह से मर गए। तो निमोनिया भी तो ठंड की वजह से ही होता है, आप लोगों को पता है। तो बहरहाल अब अल्लाह करे जी, बाकी इनको बात अब समझ लग गई है। अब इन्होंने हीटर भी लगाया, तो इंशाल्लाह बाकी बच्चे अब ठीक रहेंगे। तो अभी मैं, ये फीमेल डॉग है, बच्चे को मैंने उधर छोड़ दिया और इसको मैं जो बाहर लेके जा रहा हूँ उधर अपने ना, तो आए मेरे साथ थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लाते हैं बाइक से। ये फीमेल लोग की थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ये जो फीमेल डॉग है हमारी, इसके जो नाम है वो रॉक्सी है। अब ये देखें जी, ये जो है ना हमारी फीमेल डॉग जो है, ये अभी फ्रेश हो गई है, इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ। आ जाएं जी आप, अब मैं आपको बाकी इसके बच्चों से मिलवाता हूँ, जो 3 रह गए हैं, 1 मेल और 2 फीमेल। आ जाएं, आ जाओ भाई। ये देखिए जी, इतनी बेचैन हो गई थी फीमेल लोग, अब ये लेके वापस इसी वॉशरूम में जा रही है बच्चों को। ये देखिए जी, 1 मेल और ये 2 फीमेल्स बच्चे अंदर रह चुके हुए हैं। जब मैं इसको बाहर लेके गया था तो ये बड़ी बेचैन थी वापस आने के लिए, ये आते साथ इसने देखा आपने जैसा कि बच्चों को उठाया और वापस लेके आ गई है। ये देखिए जी, ये होती है माँ, जो कि कितनी बेचैन थी, बाकी बच्चे तो इसके मर चुके हैं, ये बाहर से जो ही अंदर आई है, इसने बच्चों को उठाया और अंदर लेके आ गई है। वो आप वीडियो में देख सकेंगे बच्चों को कैसे लेके आई है। तो बहरहाल आप इसके बेचारे 3 बच्चे ही रह गए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अब ठीक रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी बातों पे अमल कर लिया। ये हीटर लगा दे इस जगह पे, और अभी इसका रूम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो इसको हमने बड़ी कोशिश की कि दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, लेकिन ये फिर भी वापस अपने बच्चों को उठा के दे ले आती है।
अब उम्मीद है कि बाकी बच्चे खैरियत से रहेंगे। इस व्लॉग का इस बात पे इख्तिताम करते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं वो अल्लाह करे कि सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और जाते हुए आप एक काम कीजिए कि आपके राइट साइड पर एक रेड कलर का बटन आएगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके ऊपर आएगा एक बेल आइकन का बटन, उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। जब प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आएगा ऑल, उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।